गायकी चाहे कोई सी भी हो, चाहे ख्याल हो या ध्रुपद हो, दोनों मुश्किल हैं। लेकिन ध्रुपद में बस हम लोग जो है उसके कोई और अकम्पनीमेंट नहीं रखते हैं, सिर्फ तानपुरे के साथ हमारा पूरा गाना होता है। जैसे और उसमें ख्याल के परफॉर्मेंसेस में जो है हारमोनियम, सारंगी और कुछ वायलिन भी आजकल रखने लगे हैं, तो ये सब होता है। तो इसमें एक मेन डिफरेंस तो यही आ जाता है कि मतलब तबला और पखावज, और हमारे आलाप गायकी वालों में आलाप बहुत लंबा होता है। और हमारा एम्फेसिस स्वरों के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग राग को एक पर्सनालिटी मान के, एक व्यक्तित्व मान के चलते हैं। और फिर हम हर एक सिर्फ बंदिश ही बंदिश नहीं गाते हैं हम लोग, क्योंकि आलाप में हम हर स्वर पे खूब एम्फेसिस देते हैं, बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। और उसमें बड़े ख्याल और छोटे ख्याल में ये होता है कि एक बंदिश को जो है खूब अच्छी तरह से बड़ा एलैबोरेट करके वो लोग गाते हैं, लेकिन फिर भी शब्दों के ऊपर बहुत कंसंट्रेशन रहता है। लेकिन हमारा आलाप में जो है स्वरों पे ही बहुत आधार होता है, और उसी को ही हम बहुत लंबे तरीके से एलैबोरेट करते हैं। और जो भी उसके सिद्धांत हैं, मूल सिद्धांत जो भी हैं ध्रुपद के, हम उसको बहुत आराम से सबको, हर राग को इम्पोर्टेंस देते हुए, हर राग के हर स्वर को इम्पोर्टेंस देते हुए हम लोग उसकी प्रस्तुतिकरण करते हैं।